करता हूं ये चिराग और कटारी के तुम गुलाम रहोगे। याद रखो, इसे कोई मन छू लेगा तो समझ ले तेरी मौत होगी। दूसरी बात यह है कि सपेरे के बीन से बच के रहना, क्योंकि बीन की आवाज सुनते ही तू मदहोश हो जाएगा और उसी दिन तेरी मौत होगी, मौत होगी। जा आज से मैं तुझे आजाद करता खेलने क्या गए। आज सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक महाराज का कोई पता नहीं। राजमाता कीजिए, खुश रहो। कहे राजमाता। चैतु हरामी बोलिए। मुझे रह रहे के बहुत घबराहट हो रही है, वो इसलिए। किस लिए? आज सुबह से शाम होने वाली है, महाराज शिकार खेलकर महल नहीं आए। राजमाता, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सेनापति साथ में है और लेकर आते ही होंगे। ठीक है, बैठिए, आराम कीजिए। क्या बात है राजमाता, आप बहुत इस वक्त चिंतित नजर आ रही है। तुम तो जानती हो, जब भी महाराज
तुम्हारे साथ शिकार खेलने जाते थे, सूर्यास्त होने के पहले वो महल आ जाते थे, लेकिन अभी तक उनका कोई हाल पता ही नहीं, कैसे हैं कैसे नहीं, घर महल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या बात है माता, माता जी क्या बात है? बेटा तुम भी आ गए हो? जी माता जी। घबराहट इसलिए है। घबरा क्यों रही? अभी तक तुम्हारे डैड शिकार खेलकर जंगल से वापस नहीं आए। माँ तुम घबराओ नहीं, सेनापत चाचा जी साथ में गए हैं और पिताजी आते होंगे। ठीक है बैठिए माँ। माँ स्वामी जी महाराज, ये दिन देखने के पहले मैं क्यों नहीं मर गई, आज मैं क्या देख रही हूं? मेरा रह रह के जी घबरा रहा था। तो घर से निकले ते स्वामी जी बड़े शौक से, मैं जरूर बताऊंगा कि यह सब कैसे हुआ। तो क्या बताऊं तुम्हें है महारानी जी, अपनी करनी पे मैं
महाराज चांदी थी खो जाएंगे महाराज इस तरह देखा दिल को तू महारानी जी कहावत में कहा गया है कि मर्ज है तो दवा भी है महाराज ठीक होंगे तो दिल में चिंता ना करिए और महारानी जी कोढ़े महाराज का ठीक हो जाए कुछ समझ कर बताओ है सेनापति कुछ समझ कर बताओ है सेनापति कोई इलाज पत करण सिंह महाराज के साथ शिकार खेलने पहली बार तुम गए हो हमेशा मैं जाता था तो महाराज को कभी कुछ नहीं हुआ है लेकिन आज तुम गए तो महाराज को ही हो गए महामंत्री दुर्जन सिंह इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कितनी समय किसको क्या हो जाए इसमें हमारा और आपका क्या दोष है सेनापत करण सिंह अगर महाराज कोढ़ी हुए हैं तो ये तो तुमको मालूम होगा ना कि आखिर महाराज कोढ़ी कैसे हो गए महामंत्री दुर्जन सिंह हम और सम्राट बियाबान जंगल गए शिकार खेलने के लिए जब बियाबान जंगल पहुंचे तो सामने एक शेर दिखाई पड़ा सामने जब एक शेर दिखाई पड़ा तो हमारे सम्राट ने रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर निकाल करके उस शेर के ऊपर वार किया है जब शेर के ऊपर वार किया तो बगल में एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वो गोली शेर की नहीं बल्कि मुनिराज को लगी जब मुनिराज को लगी तो कहा ए घमंडी राजा जिस तरह तूने मेरे साथ धोखे से वार किया है जा मैं तुझे साफ देता हूं जा मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा और तुम सेनापत करण सिंह महाराज को लेकर राज दरबार में आ गए शर्मानी चाहिए तुम्हें जब महाराज शेर के ऊपर वार किए गोली महाराज शेर के ऊपर चलाए लेकिन गलती से जाकर मुनिराज को गोली लग गई जब मुनिराज को गोली लग गई थी तो तुम्हें उसी वक्त मुनिराज के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहिए था हमें पूरा विश्वास है कि वो मुनिराज क्षमा कर देते महामंत्री दुर्जन सिंह मैंने मुनिराज के हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया है कि कृपया मुनिराज ये अपना दिया हुआ श्राप वापस कर लो तो कहा बेटा अगर तुम इतना हाथ जोड़ करके रिवर्स करते हो तो जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है संतों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है तो इसका ठीक होने का मैं एक आपको उपाय बताता हूँ तो मैंने उपाय भी बताया मैंने कहा कहिए मुनिराज आखिर इसका ठीक होने के लिए उपाय क्या है कहा बेटा यहां से 40 कोस दूरी एक सोना पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है जिसकी परवरिश वहां का जिन्न करता है और जो कोई उस कटारी को हासिल करेगा और जिन्न का
सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलचमी मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को फाड़ करके पानी में धुला जाए, तब सम्राट को उस पानी से नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का शरीर का कोर ठीक हो सकता है। लेकिन सेनापति करण सिंह कहिए, महाराज का कोर ऐसा ठीक नहीं होगा, जैसा हम कहें वैसा होगा, तब जाकर महाराज का कोर ठीक होगा। कहिए आखिर ठीक होने के लिए उपाय बताइए ना कुछ। हमारी बात ध्यान देकर सुनो। तो सेनापति जी ध्यान से और सुनिए जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। और पीला रक्त कर पार में और कर दो चाहे जाहिर बात जो कोई पीला पान चबाए, कर दो जाहिर बात जो कोई पीला पान चबाए, और हाजिर करे कतारी और तुलसी मोहरान लाए। अगर होवे करीब तो धन दौलत से लथ जावे, अगर होवे करीब तो धन दौलत से लथ जावे, और आधे रात का मालिक बने और बनते मौत। सेनापति करण सिंह लालच दे दिया जाए और राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीरा रख दिया जाए, जो कोई बीरा उठाएगा वही कटारी और तुलसी मोहरा लेकर, अगर वो गरीब है तो उसे धन दौलत से लाद दिया जाए और आधे राज का मालिक बना दिया जाए, जल्द से जल्द महाराज का कोर्ट ठीक हो जाए। ठीक कहते हो मंत्रीवर, ठीक कहते हो। जब तक महाबलती दुर्जय सिंह वह सेनापति करण सिंह दरबार में शर्त भरा बीड़ा नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि जब हमारी प्रजा सुनेगी कि हमारे महाराज को कोढ़ हो गया तो हमारी प्रजा रो रो कर मर जाएगी। मैं जिस साल में हूं मुझे उस साल में रहने दीजिए। लेकिन महाराज, महामंत्री दुर्जन सिंह आपका गुलाम, आपको इस हालत में कैसे देख सकता है राजन? यही से महामंत्री दुर्जन सिंह व सेनापति करण सिंह आज का दरबार यही से समाप्त किया जाता है। मेरे लिए बंद निरहुआ और चैतुआ महाराज कोढ़ी हो गए। कोढ़ी हो गए तुम दोनों बताओ ये अच्छा हुआ या कि बहुत बड़ा बुरा हुआ? महाराज कोढ़ी हो गए, बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ। एक काम करो। बोलिए। एक काम करो। बताइए। हम तीन हैं। तीन, चौथा भी हो जाए तो क्या अच्छा नहीं है?
बाबू चौथा कहका बोला लाई घर मालिक कल आएगा साले बुड़बक वो पांचवे हो जाएंगे। हाँ पार्टनर तो हो यही है लेकिन चार होना चाहिए। बोलिए चार मन तीन तीखट महाबिखट चार चौपट यानी बहुत जल्द काम हमारा हो जाएगा। हो जाएगा जाओ सेनापति करण सिंह को बुला के उसके बाद सेनापति करण सिंह को भी हम अपने साथ रखेंगे क्योंकि अगर कोई हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा तो अभी सेनापति करण सिंह साथ में और क्यों बुलवाया है मुझे पाप कौन सा काम कहिए महामंत्री दुर्जन सिंह अचानक याद करने का कारण क्या है। आखिर अचानक मुझे बुलाया गया तो किस लिए बुलाया गया। सेनापति करण सिंह कहो हम और आप एक ही राज दरबार के मुलाजिम हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। सभी जानते हैं कि महाराज कोड़ी हो गए। ये तो सब जानते हैं लेकिन अभी प्रजा नहीं जानती है। लेकिन धीरे धीरे करके जान भी जाएगी इसलिए फायदा यानी मौके का फायदा चलो बैठ करके हम बात करते हैं हमें उठाना चाहिए क्योंकि सेनापति करण सिंह हम और तुम अगर एक हो जाएं तो तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा और इन दोनों का भी फायदा। लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह आपकी बात मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझ जाओगे सेनापति करण सिंह समझ जाओगे। साफ साफ शब्दों में कहो पहेलिया मत बुझाओ। सेनापति करण सिंह महाराज कोड़ी हो गए। जिंदगी झंड हो गई। कहावत में कहा गया है जिंदगी झंड है फिर भी लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। महाराज कोड़ी हो गए बर्बाद हो जाने दो। तुम्हारा कुछ ना कुछ जा रहा है ना हमारा जा रहा है। कब तक नौकरी करते रहेंगे कब तक वफादारी करते रहेंगे। सेनापति करण सिंह महाराज तो वैसे भी अब मर जाएंगे लेकिन तुम महारानी को मार दो और महारानी यानी महाराज के बेटे युवराज को मैं मार दूंगा। लेकिन ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने दूंगा पूरा नहीं होने दूंगा। सेनापति करण सिंह हमें बहुत बहुत बातें बोल रहा है और तुम कहते हो साहब चाय पी लो। हम लोग बता दिन काले में पेट भर के रामपाल बता
लेकिन निरहुआ और चैतुआ बाबू जी ये सेनापत करण सिंह नहीं बोल रहा था। कल सेनापत करण सिंह मार बोल रही थी। हम बताएंगे इधर राजा। कल सेनापत करण सिंह हमसे दुश्मनी कर रहा है। कल हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। रोड़ा बन रहा है। लेकिन एक बात है सह तो सेनापत करण सिंह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जीते जी कि तुम्हारे दिल में हबीस आए ताज और तख्त की, लेकिन हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। होगा वो कैसे होगा? हम तीन हैं। तीन तीन तीखट महाबिखट महाबिखट। तुम तीनों साथ देते रहो कर और हम तीनों मिलकर काम करते रहे कर। यानी तुम दो तो हम तीन, तीन और वो भी तीन तीन। यानी हाँ हम लोग छोट कवा है। बड़का मतलब हम समझे साहब हम लोग महाराज को अब हम नहीं मारेंगे। फिर महाराज को अब नहीं मारेंगे। फिर सबसे पहले सेनापत करण सिंह को मारेंगे। ये बात। उसके बाद महाराज को ऐसी मौत देंगे कि मौत भी देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। वक्त का इंतजार करो चैतु। चल वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि महामंत्री दुर्जन सिंह किस बला का नाम है। बाद में सारी बात बताएंगे अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद। और तुम जरा आओ। ओ हमारा